गाइस, मैं कनक भारती, आप सभी का हमारे चैनल इडुनेस्ट में वेलकम है। गाइस, सबसे पहले आज मैं बोलूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम लोग जो पढ़ रहे हैं, अब मैं पढ़ाई के टॉपिक पे आ रही हूँ, तो हम लोग जो एनसीईआरटी बुक से साइंस पढ़ रहे हैं, उसमें क्लास 6 का पढ़ रहे हैं, जो कि 8 चैप्टर कंप्लीट हो चुका और 9 चैप्टर शुरू हो चुका है। पिछले वीडियो में एक कुछ पॉइंट हम लोग देख चुके हैं, तो उससे आगे का जो पॉइंट है वो हम आज की क्लास में देखेंगे। और जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है सजीव विशेषताएं एवं आवास। आपके इसका भी एग्जाम दे रहे हैं, दीजिएगा अभी, और सीटेट का हो चुका है, आज लास्ट था, लेकिन जो 3 दिन का कैंसिल हुआ वो भी होगा। तो आप कोई भी एग्जाम दीजिए, इसमें साइंस तो पूछता ही है, तो चाहे वो टेट का एग्जाम हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये आपका वीडियो, मतलब जो भी क्लास आप देखिएगा, एनसीईआरटी बुक से और कहीं भी कुछ भी, मैं बाहर का नहीं बता रही हूँ। तो हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। हम लोग जो पढ़ रहे हैं, सजीव जो है, लिविंग थिंग्स, उसका आवास कैसा होता है, कैसे वो कहीं पे रहता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कुछ पॉइंट्स पढ़ चुके हैं, आगे का देखते हैं। जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश अथवा जंतु को उसके परिवेश जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है। परिवेश में रहने के योग बनाती है बनाती है वो उसे क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन कहते हैं। फिर है, किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है, उसका आवास कहलाता है, उसका आवास कहलाता है। अपने भोजन वायु शरण स्थल जहाँ पे वह रहता है, शरण स्थल एवं अन्य आवश्यकता, जिसको हम लोग इंग्लिश में नेसेसिटी बोलते हैं, अन्य आवश्यकताओं के लिए जीव अपने आवास पर निर्भर रहता है। जहां भी कोई लिविंग थिंग रहता है, अपने आवास पर ही, मतलब वो घर जहां भी बनाता है, या चिड़िया जहां भी घोंसला बनाती है, तो वो उसमें अपना खाने पीने का देख लेता है कि यहाँ पे है, वो लोग वहां आके बसता है।
सेम चीज मनुष्य में भी है, सेम चीज जानवरों में भी है। स्थल पर पाए जाने वाले स्थल पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास करते। जो जीव स्थल पे रहता है उस जीव का क्या हो गया स्थल, उसके लिए आवास हो गया। जलाशय मतलब जल में जो रहता है, दलदल नीचे वाला जगह, झील, नदियां एवं समुद्र जहां पौधे एवं जंतु पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे जलीय आवास कहते हैं। दलदल में क्या होता है, कमल जो है, कीचड़ वाला जो पानी होता है वहां पे कमल खिलता है। बहुत सारे ऐसा फूल है पानी जो पेड़ पौधा वो जल में ही रहता है। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक चट्टान मिट्टी वायु एवं जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक है। क्या है ये सब, जितना भी निर्जीव वस्तु है वो क्या है, आवास के अजैव घटक है। सूर्य का प्रकाश एवं उष्मा भी परिवेश का अजैव घटक है। गाइस इसमें बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट सब पॉइंट्स है। अब सूर्य का प्रकाश एवं उष्मा, उसे जो उष्मा निकलती है वो क्या है, अजैव घटक है। और अजैव घटक में और क्या क्या आता है, चट्टान मिट्टी वायु एवं जल, जो भी निर्जीव पदार्थ है वो क्या है, अजैव घटक है। आवास के लिए वो क्या है, अजैव घटक। फिर जो जैव घटक है,
किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु ये सब लिविंग थिंग्स है, तो क्या होगा, जैव घटक हो जाएगा। जिन विशिष्ट संरचना अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग बनाती है उसे क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। अब हम लोग अपनी जगह से कहीं और जाएंगे तो दो चार दिन हम लोगों को उस चीज को अनुकूलित करने में समय लग जाता है। जब अगर हम उस चीज को अपने उसके हिसाब से रहने लगते हैं तो वो क्या हो जाता है, अनुकूलन हो जाता है। किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। चिड़िया घोंसला में रहती है और किसी जंगल में रहती है, किसी पर्टिकुलर जगह पे रहती है तो वो उसका आवास हो गया। और आवास ऐसे नहीं चुन लेता, वहां पे खाने का क्या व्यवस्था, पानी का क्या व्यवस्था, इन सब चीजों पे भी डिपेंड करता है कि कोई वस्तु सॉरी चिड़िया या जानवर या मनुष्य उसी हिसाब से अपना आवास ढूंढता है। स्थल पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। जो लिविंग थिंग्स है, चाहे वो पेड़ हो, आदमी हो, जानवर हो, पक्षी हो, कुछ भी हो, अगर वो स्थल पे रहता है तो क्या हो गया उसके लिए, वो स्थलीय आवास। और जो जल में रहता वह जलीय आवास। तो आज के क्लास में इतना ही पॉइंट है गाइस, अगले क्लास में इस चैप्टर को अभी कंटिन्यू चलेगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।